आ रही हैं और अभी M40 और M1 जान है। जो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हम 12 बजे पहुँच जाएंगे वो यकीनन 1 बजे पहुँचेंगे। तो मैं समझता हूँ ट्रफाल्गर स्क्वायर के अंदर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और कश्मीर की जो हकीकी क़यादत अब्दुल फितर अबी अमीर जमात इस्लामी और कन्वीनर आल पार्टीज रब्ता कौंसिल कश्मीर रब्ता कौंसिल भी यहाँ मौजूद है और वो भी थोड़ी देर के बाद एक बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ शरीक होंगे। और इसके बाद मिर्ज़ा सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी थोड़ी देर के बाद एक बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ शरीक होने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मार्च एक तारीखी मार्च होगा और इस मार्च के ज़रिए तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ेगा। और इसके अलावा हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि कश्मीर दुनिया के अंदर एक लार्जेस्ट रीजन है और कश्मीर दुनिया में मोस्ट मोटराइज एरिया है। और इस मार्च के ज़रिए इंडिया की जो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी उसको एक्सपोज किया जाएगा। वो भारत जो कश्मीरियों को हक के आज़ादी नहीं दे रहा वो किसी तरह के ऊपर एक जमहूरी मुल्क नहीं कराने का इरादा नहीं रखता। एक बार फिर मैं तमाम अवाम का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम अहल जो भी इंसानियत से मुदर्दी रखने वाले जो इस मार्च में शरीक हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मार्च में आ रहे हैं, क्योंकि ये मसला कश्मीर एक इंसानी मसला है और इंसानी मसले के तहत इस जज्बे के तहत वह वहाँ शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा मैं तमाम जो इस मार्च में शरीक होने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के बाद जब ये मार्च का आगाज होगा तो सैयद अली शाह गिलानी का भी पैगाम पहुँच चुका है, वो पैगाम भी सुनाया जाएगा मकबूजा कश्मीर से। बाहर जाने।